भाई दो चार और ले आता हूँ, दो चार ये रहे ना, दो चार और ये थोड़े बड़े बड़े वाले हैं, इनके चर्चे जो है। मैंने बोला भाई वेजी बाजी का बटन वेजी बाजी वाले चैनल पे ही खुलेगा, ट्रैवलिंग बाजी का बटन जब गोल्ड आएगा तब ट्रैवलिंग बाजी का खुलेगा। थोड़ा साबुन धीरे है क्या तुम्हारा, अभी सिल्वर ही आया है, कोई नहीं एक दिन आएगा जब ट्रैवलिंग बाजी का भी गोल्ड बटन खोलेंगे हम लोग। ये दो चार और सामान ले आए थे, इनको ऑलरेडी अनबॉक्स कर लिया। हाँ जी, कुछ भी अनबॉक्सिंग में हम लोग को सबसे एंड में खोलेंगे। यार ट्रैवलिंग बाजी के ना कुछ भी अनबॉक्सिंग वाले ब्लॉग्स बड़े कमाल के होते हैं, इसलिए वीडियो देखने से पहले लाइक कर दिया करो और फिर वीडियो देखा करो, बड़ा मजा आता है। और कमेंट करके बताओ कि आपको ये कुछ भी अनबॉक्सिंग में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक वाले अनबॉक्सिंग ही देखनी है या कुछ भी अनबॉक्सिंग देखनी है। कुछ कुछ पैकेजेस आए हुए थे घर के, सोचा खोल लेते हैं। चाकू भाई यूज नहीं करते हम लोग, ठीक लग रहा है ये, फील से पता चलेगा ना। आप बताना कभी कमेंट करके, आपने कभी ऐसे रंग की चादर आपने कभी यूज करी है? बहुत अनकॉमन कलर है ना चादर के लिए। चादर नंबर टू, ये ना ये वो वाली चीज है जब आप साइड से सामान मंगवा रहे होते हो कुछ, और उनका डिस्काउंट होता है एक सर्टेन थ्रेशोल्ड तक। देखो कैसे साइज इज स्मॉल, कुड हैव बीन बिगर थोड़ा। ये तकिए इतने छोटे छोटे से हैं, यूज कर सकते हैं हम लोग आपका तकिया, आपने ऑर्डर किया ना ये। आजकल ना हम लोग थोड़ा ब्लॉग्स वगैरह मतलब ज़्यादा शूट करने लगे, मतलब डालने का टाइम थोड़ा सा कम मिलता है, इसलिए थोड़ा कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है वीडियो फ्रीक्वेंसी में। बट जो भी सामान आता है ना उसको साइड में रख देते हैं, जब तक तीन चार पैकेजेस नहीं होंगे तब तक खोलेंगे नहीं। इसकी रुई अलग दी है, ये मतलब ये क्या घर में इन्होंने एक्स्ट्रा दी कि आपको मोर फ्लफी करना है तो आप और डाल सकते हो। अच्छा, वहाँ से खोलूंगा तो रुई भी निकल जाएगी। वो क्या वो मैजिक हो जाएगा इसमें? वो ये देखना, वो देखना, अब ये फूल जाएगा पूरा। यार ये तो समझ नहीं आता भाई, पहले वाले तो ज्यादा ठीक थे, ये वाला बढ़िया सही है ना, वॉशेबल तो एटलीस्ट ना, ताकि ये उसके मेरे को पहले वाले ज्यादा अच्छे लगते थे टू बी ऑनेस्ट। ये उसी के जैसे एक और है, दो मंगवाए और मैंने चादर मंगवाई थी। ऐसे मेरे को ऐसा लग रहा है मैं चांदनी चौक की किसी दुकान में हूं। हां जी 150 150 150 वेकफिट वाले wakefitwale@gmail.com। भाई वेकफिट वालों तुमसे इतना सामान ले चुके हैं, अब तो थोड़ी सी हमें लगता है कि हमें बात करनी चाहिए है, थोड़ा रियल लाइफ अपना एक्सपीरियंस बताए। एनीवे इसके साथ काफी अच्छी चीजें भी और कुछ एक आध जैसे हर चीज में होती है। क्या ही, चलो कभी और फुर्सत में बताएंगे। ओके गाइस, ये है फ्लिपकार्ट का डब्बा जिसके लिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि इसका पता नहीं, कभी भी आप कोई महंगी चीज ऐसे अनबॉक्स कर रहे हो, ये वाला कैसे कैसे करना, ऊपर नीचे आगे पीछे, ये ऊपर नीचे आगे पीछे, ये वाला पार्ट ना ऐसे थोड़ा, उसके बाद फिर इसकी धजिया उड़ा सकते हैं आप। ये क्या है? ये गिव अवे विनर का आईफोन है। ओ मैं ही हूँ यार वो सजल। मैं ही सजल। ओ भाई इतनी फेक ईमेल्स आई ना हम लोगों को। मैं ही सजल। भाई अगर कोई भी यूट्यूबर ये वीडियो देख रहा है और अगर आप गिव अवे कर रहे हो भाई, प्लीज मेक श्योर आप सारे डिटेल्स चेक करो, बंदे के सब कुछ चेक करो कि मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि यार मैं इस काबिल बन पाया हूँ आप लोगों की वजह से, कि हम लोग किसी को एक गिव अवे दे रहे हैं। बट लोग ऐसा मतलब क्या बताऊं, इतने स्पैम ईमेल्स आए, इतने स्पैम ईमेल्स। अरे वो सब ठीक है, मैं सजल हूँ। फिलहाल जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक भी ये पहुंच नहीं पाया होगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि यार ये बंदा जो है ना ये अलवर में ही रहते हैं, तो हम लोगों की बात हो रही थी इनसे कि हम जाके देंगे, उसके बाद फिर पहले हम शिपिंग का देख रहे थे बट फिर पास में ही था, अलवर देखा, हमने सोचा कि भाई पास में ही है तो फिर जाते हैं। हम तो वैसे टाइप के लोग हैं, अलवर से हो मिल्के खिलाओ तभी के देंगे। सही बात है, तो मिल्के के बहाने हम लोग मिल भी लेते, बट अब कोरोना आ गया तो एनीवे कोई बात नहीं भाई। डब्बा कर्फ्यू लॉकडाउन वगैरह सब हो गया, डब्बा कितना छोटा कर दिया है, एकदम पतला सा कर दिया है। बस हम चेक सारे सजल भाई देख लो। नहीं ओरिजिनल सजल भाई देख लो, ये आप ही का फोन है, डब्बा एकदम सील्ड है, फ्लिपकार्ट से मंगवाया था हमने, सोचा आपको डिलीवर कर देंगे, बट अब इसकी रिप्लेसमेंट वाली चीज है। कभी कभार यार वो डर लगता है भाई, वो पत्थर वाली चीज सुन सुन के, तो बस चेक कर लेंगे कि फोन में केबल डाल के कि ऑन हो रहा है, उसके बाद साइड में रख देंगे, आप यूज करना, आपके लिए है, अच्छे से इसका इस्तेमाल करिए, भरपूर तरीके से पढ़ाई लिखाई करिए, इसमें अच्छा लगेगा हमें। डब्बा का साइज बहुत छोटा कर दिया ना भाई, बहुत छोटा। इसमें ना चार्जर है, ना इसमें ईयरफोन्स है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ फोन है। भाई ये किसी और का ही फोन है, इसको ढंग से अनबॉक्स कर लेते हैं, अपना काम जैसे मर्जी करो। अरे नहीं वो तो एप्पल में तो ऐसे हो जाता ना वो तो। अच्छा ये रहा फुल टैप। ओए यार जब मैं चक्कू लेके आया चक्कू की जरूरत ही नहीं थी, थॉट आई नीडेड अ चक्कू, आई डिडंट नीड अ चक्कू, चक्कू की जरूरत ही नहीं थी भाई यार, बिल्कुल भी नहीं थी जरूरत। ब्यूटीफुल आईफोन, ये है केबल बस है, ये है और ये है, ठीक है हमें भाई बस सारे एप्पल के साथ इतना ही मिलता है, बस इतना ही मिलता है। सजल भाई डोंट वरी आपको स्टिकर्स मिले, आपको स्टिकर, हाँ एप्पल स्टिकर मिले, बट हम आपको साथ में वेजी पाजी स्टिकर भी देंगे। यस, क्योंकि shop.vegipaji.com पे ऑर्डर अगर आप कुछ भी खरीदते हो तो आपको वेजी पाजी स्टिकर मिलते हैं। विनर वेजी पाजी shop.vegipaji.com पे था ना, ये लो भाई। अब इसका साइज थोड़ा नहीं भाई यार, ये
अभी फूलेगा ना, थोड़ा टाइम लगेगा। ये फूल चुका है, बहुत फूल चुका है। ये लो एप्पल लोगो आ गया, ठीक है। ये नहीं भाई, ये गड़बड़ है, ये नहीं पसंद आया मेरे को, पर ये जरूर पसंद है। डाल लेना रोहित फिर तुम भाई, बहुत प्यारा लग रहा है यार, इसका साइज बहुत कॉम्पैक्ट है यार। फोन चल गया, ठीक है, अब बंद करके रख देते हैं इसको। ओके सजल भाई, जब भी अब हमारी और आपकी मुलाकात होगी, मिल्केक खिला देना, फोन ले जाना। एक हाथ से मिल्केक देना, दूसरे हाथ से फोन ले जाना। सीधी सी बात। गंद कौन साफ करेगा? तुम करो। आधा आप करना, आधा मैं करूंगा। ना ना ना। क्यों? तुम करो। आपने सर, ठीक है मैं कर लूंगा, पर सराहने भी मैं यूज करूंगा फिर। अच्छा ठीक है, फिर मैं आधा आप आधा मैं। भाई आधा आधा होता है, ऐसे नहीं होता। सफाई चल रही है? सफाई नहीं चल रही, सफाई चलने की एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि देखा तो सामान एक अनबॉक्सिंग कर रह गया था भाई। ये क्या है? छोटा सा डब्बा, इसमें क्या है? मम्मा ये डब्बा देखोगे मम्मा, ये वो गिव अवे वाला आईफोन भी आ गया, वो जो अलवर वाले थे ना। मम्मा मैं सज्जल हूँ ना, मैंने बताया था। मैं ही तो सज्जल हूँ, मैंने आईडिया बनाया था, याद नहीं आपको? मम्मा हमने मैंने आपके, आप तो गवाह हो ना। मैंने नहीं भाई, जिसका है उसका ही है, उसको मिलेगा जरूर। हाँ, मिलेगा। नहीं हमने देना अभी था, हमें 4 दिन पहले देना था। हाँ। फिर ये कोरोना के केसेस बढ़ गए, लॉकडाउन का वो टाइमिंग वगैरह, कर्फ्यू का टाइमिंग वगैरह बढ़ गया, छोड़ो। सजल भाई से बात होगी, एक हाथ से मिल्के एक देना, दूसरे हाथ से फोन लेना। छोटा सा पैकेट है कोई लोगों को देखना था। Only for entertainment purposes. Don't try at home. Health is foremost. Health is foremost. चलो चलो ठीक है वीडियो वीडियो शूट करने। चलो चलो। इससे हम लोग डब्बे बनाएंगे, जो डब्बे अनबॉक्स करेंगे लोग shop.veggiebhaji.com पे। जब तक अभी वीडियो देखेंगे तब तक तो हमारे सैंपल्स चल भी जाएंगे। मेरा टाल आ गया। आपका टाल आ गया, पर अभी हम लोग shop.veggiebhaji.com की बात कर रहे हैं, इसलिए सारी चीजें साइड में। अगर वो कर्फ्यू और कंटेनमेंट जोन में तो नहीं। हाँ मतलब बहुत लोगों को मिल गया ना, तो इतना तो सब लोग समझते हैं। अगर आपने अभी तक shop.veggiebhaji.com से खुद सामान नहीं खरीदा तो किस बात की वेट करिए, हमें मौका दीजिए आपको सर्व करने का, ये वाली टेप निकाल के ऐसे लगाने का। बाय बाय गाइस, नाइस चेयर्स को टेप करके ऐसे निकाल दूँ ना, ऐसे लगाना। ओह माय गॉड भैया, अनबॉक्सिंग की वीडियो जो है ना, 1 महीने पहले हम लोगों ने शूट करी थी, जब गोल्ड प्ले बटन आया था, तब नवरात्रे चल रहे थे, तब का ये आईफोन मेरे पास आ रखा है। ये बेचारे आईफोन की ऐसी कहानी है ना, हम लोगों ने बस इसके जस्ट, ये जब आईफोन आया था उसके मंडे को जाना था हम लोगों ने, और संडे से लॉकडाउन लग गया था, कर्फ्यू वगैरह लग गया था, और बड़ा वो हो गया था। तब से ये आईफोन मेरे पास पड़ा हुआ है, और तब से ना इसका ये पैक सील्ड ही है, इसको हम लोगों ने खोला ही नहीं है। ये सजल भाई के लिए ही है, बट अनफॉर्चुनेटली गिवन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द कंट्री, सेफ्टी फर्स्ट। ये आईफोन तो जैसे ही सबको ठीक होगा तो सजल भाई को मिल जाएगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी बहुत टफ टाइम से हम लोग निकल रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प करो। वैक्सीन अगर आपको डोसेज मिल रही है प्लीज लगवाओ यार, डबल मास्क करो, सैनिटाइजर लगाते रहो, क्योंकि ना बहुत ये तो कुछ भी नहीं है। ऑनेस्टली वेजी पाजी के भी हम लोग अभी ऑर्डर्स कुछ नहीं डिलीवर कर पा रहे, वो भी हम लोगों ने काम एक तरीके से शिपिंग रोक ही दी है, क्योंकि गवर्नमेंट की रेगुलेशंस ऐसी है, काफी सारे लोगों का तो काम पूरा बंद ही हो गया है। तो मतलब ना काफी ज्यादा टफ टाइम चल रहा है यार, बस ध्यान रखो अपना, मास्क लगाते रहो, सैनिटाइजर लगाते रहो, और एक बार इस टाइम से निकल जाएंगे तो आगे जाके फिर सब अच्छा ही होना है।